गुड मॉर्निंग, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरा नहाना धोना हो चुका है और पूजा वगैरह भी हो गया है। और यहाँ देखिए मनीषा न्यू ब्रेड बना रही है रेसिपी। यहाँ ब्रेड सेक रही है और इसमें चीनी डाल करके मीठा ब्रेड बना रही है। ये सस्ता जुगाड़, हमारे पास अभी जैम नहीं है तो हम इसलिए बिना ब्रेड सिर्फ जैम के अच्छा नहीं लगेगा तो बोलेगी चलो थोड़ा चीनी डाल के इसे मीठा वाला बनाते हैं, अच्छा लगता है। एक तैयार हो गया है, एक यहाँ रेडी भी हो चुका है मीठा ब्रेड। अच्छा। खाएगी तो टेस्ट बता देंगे कैसा है। और यहाँ मेरा ऐसे सिंपल ब्रेड सेक दिए तेल लगा करके, क्योंकि ये खाएगी ड्राई ब्रेड। ये तो सब बोलेगा कि आपने खा रही है मीठा ब्रेड, इसको दे रही है सूखा ब्रेड। वो क्योंकि चाय ब्रेड खाने वाले, इसलिए मैं अपने लिए चीनी डाल के, खाते भी नहीं है मीठा वाला। मैंने एक चप्पल खरीदा है तो वो भी ठंडा पहनने के लिए, भी ठंडा है तो टाइल्स में थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगता है, तो इसलिए देखिए मैंने कैसा चप्पल खरीदा और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और मेरा चप्पल है ये, आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चप्पल हमने खरीदा है वो है मनीषा के लिए, तो चलिए उसका भी दिखाते हैं पहले आप लोगों को हम। और उसका है इस कलर का चप्पल, ये भी उन्हीं ही है ठंडा में पहनने के लिए। तो हम लोग दोनों सेम चप्पल सोचे थे कि खरीदेंगे, तो मेरा पहले आ गया था, फिर उसको भी पसंद आया तो बोली मेरे लिए भी एक ले देना, तो उसका लिए भी लेके आए हैं, लेकिन हमारा सेम नहीं हो पाया तो इसलिए उसका थोड़ा अलग है। लेकिन ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को। चलिए हम बाहर का भी थोड़ा मौसम दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा है, धूप वगैरह भी निकला हुआ है और देखिए कितना अच्छा धूप निकला है हमारे आंगन में। और पापा देख सकते हैं कि पूरा पौधा लगाए हुए हैं छत के ऊपर, देखिए कितना सारा गैया आ चुकी है। और यहाँ पे आते सब्जी बेचने के लिए भी, तो ले रही है सब्जी। यह हमारा रेडी हो चुका है नाश्ता, ब्रेड बिस्किट गुड्डे का और साथ ही चाय, तो जिसको उसको खाना है आ जाइए प्लीज हमारे घर। और यहाँ मनीषा का भी हो चुका है, तुम टेस्टी खा रही बैठ करके, मजा आ रहा है। आप बच्चे लोगों को ऐसे दे सकते हैं बना करके, अगर कुछ नहीं है तो साथ में चीनी डाल करके ऐसे सेक देंगे, घी है तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तो ये हमारे घर के बगल में भी शादी होने वाला है, अभी है एक दो दिन बचा हुआ लेकिन उसका तैयारी स्टार्ट हो चुका है। देखिए फ्लावर से बाहर है। और यहाँ मेरे एक पार्सल आया है, लेने के लिए गई है पार्सल, और वो ले ली पार्सल। अब भैया जाएंगे तो और किसी का भी देना है तो वो अपना देख ले रहे हैं। ये टी शर्ट मैंने मंगाया है, अब उनका बर्थडे आने वाला है इसीलिए, तो आएंगे तो वो देखेंगे कि उन्हें पसंद आ रहा है या नहीं, मैं तो अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हम बनाने के लिए जा रहे हैं उपमा, तो आज हम स्पेशल खाना खाएंगे, आज मेरे को मन है उपमा खाने का, तो उसका थोड़ा सा तैयारी कर दी है मनीषा। यहाँ पे प्याज कटिंग हो गया है, थोड़ा सा गोभी छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिए हैं, तब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा बन गया है उपमा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, और साथ ही चल रहा हमारे यहाँ टीवी। मैं अपने अलमीरा की थोड़ी सफाई कर ले रही हूँ, तो देखिए पूरा हटा हटा करके साफ कर ले रहे हैं। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले कि जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।